इस वक्त हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन टेंपल से वजेंद्र नंदन दास हैं। वजेंद्र सर, आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे क्योंकि दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं इस्कॉन के, और जो सब कुछ बांग्लादेश में हुआ है, अब किस तरीके से वहां पर उनमें एक इनसिक्योरिटी है या ये समझ से क्योंकि परे है कि क्या ये वाकई टारगेटेड किलिंग की जा रही है? वजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इधर आ रहा। एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ और बने हुए हैं। शोएब साहब, मेरा सवाल आपसे है। शोएब जमाई साहब, क्या ये वाकई टारगेटेड किलिंग है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इन जगहों पे माइनॉरिटीज के साथ जो भी व्यवहार दुर्व्यवहार होते हैं या उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, उसका भारत के अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये मामला अंतरराष्ट्रीय है, हम दूसरे देश में जो माइनॉरिटीज है उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर से बात है इन सारे मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में उठा करके अगर हम समझते हैं कि दूसरे देश में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए, हालांकि कश्मीर में हम कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते और मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त करता हूं कि कोई दूसरा मुल्क करे, लेकिन अगर हम दूसरे देश में हस्तक्षेप करते हैं तो उस देश की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे लगता है इतनी पावर तो भारत की है। दूसरी बात, अभी आपने एक घटना का जिक्र किया छत्तीसगढ़ में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में रामनवमी के मौके पर जो वो गाड़ी चढ़ा दी गई उन श्रद्धालुओं पर। पहली बात तो आपको बता दूं कि इसमें जो चढ़ाने वाले, गाड़ी चलाने वाले थे, उनका नाम था बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये लोग गांजा और चरस के तस्करी कर रहे थे और गाड़ी उस पर चढ़ा दी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो हिंसा देखने को मिली, मरने वाले भी अफसोस हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, यहाँ पे जो गाड़ी चढ़ाई गई इसमें कोई ऐसा कम्युनल एंगल नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस को टारगेट कर रही, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कोई देर नहीं लगाया है। लखीमपुर खीरी की तरह सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ा कि आप काम नहीं कर रहे, लखीमपुर खीरी की तरह सुप्रीम कोर्ट को कोई इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर, मेरा टारगेट उस सांप्रदायिक सोच को लेकर है, उस साइकोलॉजी को लेकर है जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इसीलिए मेरा ये सवाल भी यही था क्या, क्योंकि ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, क्या ये टारगेटेड किलिंग है? और इस वक्त हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब खान हैं। शादाब, आपसे बात करूं, उससे पहले एक बार बता दूं वजेंद्र दास जी को अब हमारी आवाज मिल रही है। वजेंद्र दास जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं और बांग्लादेश में जो लोग हैं उनके बीच इस तरह की घटनाओं के बाद डर अब वाकई बढ़ता जा रहा है। आपकी भी वहां लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अब बांग्लादेश में आए दिन साल में एक घटनाएं होती रहती हैं, अगर बांग्लादेश की सरकार पहले ऐसा एक्शन ले लेती तो आज बड़ी घटना नहीं होती। इसीलिए बांग्लादेश की जो सरकार है उससे मेरा अनुरोध है कि सुरक्षा चाक चौबंद करे और ऐसे इतना कड़ा एक्शन ले कि किसी भी प्रकार की घटना अब भविष्य में नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करें कि अब ऐसी घटना नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।